नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका गणित दर्शन यूट्यूब चैनल पर। एक्सरसाइज 1.2 ऑन पेज नंबर 10, इसी के जो क्वेश्चन नंबर 4 हम सॉल्व कर रहे थे उसका थर्ड एग्जांपल देखिए। सॉल्व द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन x स्क्वायर माइनस 5 माइनस आई एक्स प्लस 18 प्लस आई इक्वल टू 0। तो सबसे पहले इसको इक्वेट करते हैं स्टैंडर्ड इक्वेशन से, इक्वेट कंपेयरिंग विद। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, वी गेट ए इज इक्वल टू 1 कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, बी इज इक्वल टू coefficient of x with negative sign pura complete minus 5 minus i and c is equal to 18 plus i। अब हमको quadratic equation solve करना है तो under root में b square minus 4ac आएगा, तो वो पहले solve कर लेते हैं। b square minus 4ac, b का square minus 5 minus i का square minus 4, a is 1 and c is 18 plus i। After putting values of b, a, c and simplifying, we get b square minus 4ac is equal to minus 48 minus 14i। Second step में इसका under root find कर लेते हैं। Step 2, to find under root of b square minus 4ac, to let under root of this, under root of minus 48 minus 14i is equal to p plus iq, इसको नंबर, ये इक्वेशन को नंबर 1, इसको 2, where p and q are real numbers and i is imaginary unit। अब इसको सॉल्व करते हैं, p और q की वैल्यू फाइंड करना है, मतलब दो इक्वेशन लगेंगी p और q में, तो पहले तो स्क्वायर कर दो। ऑन स्क्वायरिंग 2 वी गेट स्क्वायर स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल, माइनस 48 माइनस 14i इज इक्वल टू p प्लस iq का स्क्वायर व्हिच इज इक्वल टू a प्लस b का होल स्क्वायर लगा दो, p स्क्वायर प्लस 2pqi प्लस iq का स्क्वायर, i स्क्वायर इज माइनस 1 q स्क्वायर, तो उनको रियल पार्ट के साथ लिख लेते हैं, p स्क्वायर माइनस q स्क्वायर प्लस 2pqi, यहां पर है माइनस 48 माइनस 14i, दो लेफ्ट हैंड साइड में और राइट हैंड साइड में दोनों को कॉम्प्लेक्स नंबर दिखता है, तो बाय इक्वालिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, बाय इक्वालिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स क्या मिला, रियल पार्ट पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 48 एंड ये 2 पी क्यू इज इक्वल टू माइनस 14, तो देयरफॉर पी क्यू इज इक्वल टू माइनस 7। P और Q की वैल्यू फाइंड करने के लिए एक और मेथड देख लेते हैं। ये P स्क्वायर माइनस Q स्क्वायर की एक वैल्यू हमारे पास है और PQ प्रोडक्ट की वैल्यू, तो P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर की वैल्यू यदि मिल जाए तो काम हो सकता है। P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर, P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर का स्क्वायर कैन बी रिटन एज P स्क्वायर माइनस Q स्क्वायर का स्क्वायर प्लस 4 टाइम्स P स्क्वायर Q स्क्वायर, ये आइडेंटिटी वेरीफाई की जा सकती है। अब इसमें वैल्यू पुट कर दें, p स्क्वायर माइनस q स्क्वायर की वैल्यू माइनस 48, इसका स्क्वायर 4 टाइम्स pq का होल स्क्वायर बन गया, ये माइनस 7 का स्क्वायर, माइनस का स्क्वायर प्लस हो गया 48 का स्क्वायर, ये माइनस का स्क्वायर प्लस हो गया 7 का स्क्वायर 49 इनटू 4। अब ये 48 का स्क्वायर फाइंड करना है, वैदिक मैथमेटिक्स से फाइंड किया जा सकता है। 48 का स्क्वायर, इसको a मान लो इसको b मानो, तो a का स्क्वायर 16, 2 टाइम्स ए बी, तो 2 टाइम्स 4 यानी 8, 8 8 इज 64, ये 64, और फिर b का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर इज 64। लिखते समय 4 यूनिट प्लेस का नंबर दिखा, ये टाइम्स प्लेस को इधर शिफ्ट करके ऐड कर दो, 64 प्लस 6 70 का यूनिट प्लेस 0 दिखा, 7 को इधर शिफ्ट करके ऐड कर दो, 16 प्लस 7 23, तो 48 का स्क्वायर हो गया 2304, राइट, रख दो यहां पर 48 का स्क्वायर 2304 और इसका प्रोडक्ट 196, दोनों का एडिशन
2500 विच इज 50 का स्क्वायर। तो अब ये पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर का स्क्वायर इस 50 का स्क्वायर, दोनों पावर सेम दिख रहे हैं तो जो बेसिस है वो सेम होगी, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर आ गया 50, इसको नंबर दे दो 3, 1, 2 एंड दिस 3। अब ये दो इक्वेशन की हेल्प से पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर फाइंड किया जा सकता है और फिर वहां से पी और क्यू फाइंड कर सकते हैं। अब ये दोनों से हम पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर फाइंड करते हैं। नाउ 1 + 3 इंप्लाई, ये दोनों को ऐड कर दो तो क्या मिला 2p² - q² + q² कैंसिल हो गया, -48 + 50 तो ये रह गया 2 + 2। तो देयरफॉर p² = 1 व्हिच इंप्लाई p = ±1, ये p की वैल्यू आ गई। अब इसमें से इसको सबट्रैक्ट कर देते, ठीक है, इसमें से इसको सबट्रैक्ट कर दो, 3 - 1 इंप्लाई, तो पी स्क्वायर में से पी स्क्वायर गया 0, क्यू स्क्वायर में से -(-q²) तो बन गया 2q² = इसमें से इसको सबट्रैक्ट करना है यानी 50 - -48 दैट इज 50 + 48 व्हिच इज इक्वल टू 8 और ये 9, 98, तो ये है 2q², तो देयरफॉर q² = 2 से डिवाइड कर दो, 2 × 4 = 2, 9 = q² इज दिस, तो इंप्लाई q = ±7। p की वैल्यू आ गई, q की वैल्यू आ गई। अब ये p और q की वैल्यू यहां प्लस माइनस 1 है, प्लस माइनस 7 है, तो वैल्यू लेना कैसे होगा? वैसे तो चार कॉम्बिनेशन दिखेंगे, कौन कौन से पॉसिबल कॉम्बिनेशंस, p = 1 तो इसके साथ में q = 7, p = 1 इसके साथ में q = -7, ऐसे दो हो जाएंगे, फिर -1 के साथ q = 7 और q = -7, तो चार कॉम्बिनेशन दिखते p q p q, कौन सा कॉम्बिनेशन लेना होगा? कॉम्बिनेशन ऐसा लेना होगा जिससे प्रोडक्ट -7 आए, तो प्रोडक्ट -7 आने के लिए ये 1 और 7 तो नहीं चलेगा, ये कैंसिल हो गया, 1 और 7 ये कैंसिल हो गया, 1 और -7 ये हो सकता है, दोनों का प्रोडक्ट -7 मिलेगा, -1 और 7 ये हो सकता है, ये चल सकता है, लेकिन -1 और -7 ये कॉम्बिनेशन नहीं चलेगा। तो क्या पॉसिबल कॉम्बिनेशन हो गए? p = 1 q = -7 और p = -1 q = 7, इसको नोट डाउन कर लेते, बट pq = -7, therefore either p = 1 q = -7 और p = -1 q = 7, ये दो पॉसिबिलिटी होगी, ये दो पॉसिबिलिटी को अब आंसर में रख दो स्क्वायर रूट के। देयरफॉर अंडर रूट ऑफ क्या था, b² - 4ac कितना था वो, -48 - 14i = p + qi, ऐसा था, तो p और q की वैल्यू रखते हैं, तो दिस इज इक्वल टू, पहला कॉम्बिनेशन रखा तो 1, q की वैल्यू -7 रखा तो -7i, दूसरा कॉम्बिनेशन रखा तो -1 + 7i, ऐसा हो जाएगा। अब इसमें से माइनस कॉमन ले सकते हैं, दैट इज माइनस कॉमन ले लिया तो 1 - 7i, तो एक नंबर मिल रहा है 1 - 7i, दूसरा नंबर मिल रहा है उसका नेगेटिव -1 - 7i, तो देयरफॉर आंसर हुआ अंडर रूट ऑफ -48, ये क्या था, b² - 4ac था, अंडर रूट ऑफ b² - 4ac = √-48 - 14i व्हिच इज इक्वल टू +1 - 7i, ये आ गया अंडर रूट। स्टेप 3, बाय फॉर्मूला x = यानी सॉल्यूशन ऑफ 1 की बात कर रहे हैं, सॉल्यूशन ऑफ 1 इज इक्वेशन 1, x = -b + √(b² - 4ac)/2a, अब वैल्यू रखते हैं इसमें, इंप्लाई x = -b की वैल्यू है -(5 - i)/(√), अच्छा अंडर रूट की वैल्यू तो मिली हुई है ना हमको,
तो पॉजिटिव वैल्यू ले लो, एक वैल्यू ले लो, काम हो जाएगा। वन माइनस सेवन है, वन माइनस सेवन है अपॉन टू टाइम्स ए, ए इज वन। इसको कुछ नंबर दे देना स्क्वायर रूट को, वन टू शायद थ्री नंबर दिया जा सकता है इसको, थ्री नंबर। तो यूजिंग पॉजिटिव वैल्यू फ्रॉम थ्री, यूजिंग पॉजिटिव वैल्यू फ्रॉम थ्री, अंडर रूट की वैल्यू रखी हमने, अब सॉल्व करो। माइनस माइनस प्लस हो गया, फाइव माइनस है प्लस माइनस, वन माइनस सेवन है अपॉन टू, तो दिस इज इक्वल टू, पहले प्लस के साथ ले लेते, फाइव माइनस आए प्लस वन माइनस सेवन आए अपॉन टू, और फाइव माइनस आए माइनस वन माइनस सेवन आए अपॉन टू। तो देयर फॉर एक्स इज इक्वल टू, इसका कैलकुलेशन सिक्स माइनस आए माइनस सेवन आए माइनस एट आए अपॉन टू, और इसका कैलकुलेशन माइनस वन और फाइव, फाइव माइनस वन फोर, माइनस ऑफ माइनस प्लस सेवन आई माइनस आई यानी प्लस सिक्स आई अपॉन टू, तो ये बन गया थ्री माइनस फोर आई और टू प्लस थ्री आई एक्स। दीज आर द रूट्स, रूट्स ऑफ गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन वन। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद गणित दर्शन यूट्यूब चैनल के साथ बने रहने के लिए। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब इट, नोटिफिकेशन बेल ऑन करना ना भूलें। मिलते हैं फिर कल, टिल देन टेक केयर, बाय बाय, जय गणित।